कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है द टंडन परिवार में। आज थर्ड डे है हमारा इजिप्ट में और हम निकल रहे हैं, कहाँ निकल रहे हैं? अलेक्जेंड्रिया। तो चलिए, जो मैं देखूंगी, जो हम देखेंगे, आप भी वही देखिए। अब हम लोग अलेक्जेंड्रिया में आ गए हैं। नाम इतने डिफिकल्ट है तो मुझे रीड करना पड़ रहा है। तो हम लोग आए हैं कैटाकॉम्ब ऑफ कॉम ऑफ अल शोकाफा। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये देखिए, अब लोग ये आ गए। ये मैप है और गाइड हमें बता रहे हैं कि हमें 30 मीटर डीप जाना है। यस, ये प्लेस पहले सेवन वंडर्स में हुआ करती थी। हम लोग जिस प्लेस पे आए हैं, ये 30 मीटर डीप है और ये पहले के टाइम पे सेवन वंडर्स में आती थी और ये किसी राजा महाराजा से बिलोंग नहीं करती थी। जो यहाँ के रिच पीपल थे, ये उन्होंने बनवाया था। और इसका जो बेस्ट पार्ट है कि ये 30 मीटर्स आपको राउंड राउंड करते हुए नीचे जाना है और 30 मीटर्स नीचे टॉम्ब है ये। तो आइए देखते हैं। इसका जो आर्किटेक्चर है वो रोमन से प्रभावित है और ग्रीक से है और आपका यूरोप से भी है। ये देखो, मैंने ऊपर से दिखाया ना, जैसे वेल होते हैं, बिल्कुल ऐसा है। तो हमें ऐसे घूमते हुए जाना है, ठीक है? ऐसे हम लोग घूमते हुए जा रहे हैं। ये स्टेयर्स हैं तो बहुत केयरफुली हमें जाना है और 30 मीटर्स डीप। वाव। अब हम ये बीच में आए हैं। देखिए, ऐसे यहाँ से नीचे दिख रहा है ना, क्लियर? और ये देखिए, येलो टोपी में ये दिख रहे हैं। अब हम लोग सबसे नीचे आ गए हैं, शायद नहीं, अभी शायद और भी नीचे जाना है। और इस तरीके से बना हुआ है पूरा, काफी यहाँ पे अंदर लाइट्स और सब बनाई हुई हैं। और ये सब है इधर, इधर वेल जैसा ही पूरा दिख रहा है। और ये नीचे, ये ऐसे, यहाँ शायद हमको अलाउ नहीं हो, या होता है तो देखते हैं, जाते हैं। ये देखिए, और नीचे हम उतरते जा रहे हैं, नीचे उतरते हम जा रहे हैं। और ये हम अब नीचे जाते जा रहे हैं। ये देखिए कितना पुराना सिविलाइजेशन है यहाँ का, और पूरा व्यू देखिए, अच्छा लग रहा है। ये पूरे एंट्रेंस पे ऐसे बना हुआ है, पूरा एंट्रेंस पे इधर बने हुए हैं ये सब एंट्रेंस पे। गाइड बता रहे हैं अबाउट द मम्मीफिकेशंस एंड दिस इज द स्टोरेज फॉर मम्मीफिकेशंस। मम्मीफिकेशंस इन जनरल till now we don't have the secret. We not know the secret about mummification, but we know some steps about mummifications. For example, first step, so to bring out all the systems from the body, okay. Second step, to wash the body with salty water and something like this, okay. And third step, to put some oils, organic oils, aromatic oils, which raised on two banks on Nile River in Upper Egypt, okay. In Luxor, Aswan. Did you visit Luxor and Aswan? No, Luxor. Yeah. Okay. So not this time. No, next time. Next time. Okay. Sure. So we have too many types of organic oils, which raised on the two banks in the on the Nile River in Upper Egypt. So they put some oils because they believed in afterlife. Okay. In general, in ये यहाँ पर मम्मीज के लिए खोदा गया था, बट यहाँ पे मम्मीज नहीं मिली। और ये जो आपको दिख रहे हैं, ये गार्ड्स हैं। और ये जो पूरा इन्फ्लुएंस है, ये आपका ग्रीक से भी इन्फ्लुएंस है, रोमन से भी इन्फ्लुएंस है। तो ये देखिए ऐसे, ये सब देखिए, ये गार्ड्स हैं, है ना? तो आप थोड़ा बहुत इंडिया का कल्चर और इजिप्ट का कल्चर एक सा ही देखने को मिलेगा। और ये बुलक फार्मिंग से रिलेटेड है। ये देखिए, ये सारे ग्रेवयार्ड हैं और ये बिल्कुल नीचे, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, 30 मीटर्स नीचे जाके ये डबल स्टोरी ग्रेवयार्ड है। डीप में अब हम लोग आ चुके हैं। और ये देखिए ऊपर, वहाँ से हम लोग नीचे आए थे। और ये यहाँ पर एक टनल है पूरा अंदर इधर।
ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सब ह्यूज बड़े बड़े पत्थर हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, और इनके अंदर ममीज को प्रिजर्व करके इस ग्रेवयार्ड के अंदर जो 30 मीटर्स है ना उसके अंदर रखा जाता था। तो आप सोच सकते हैं, और इन्होंने गाइड ने बताया कि जब इसका सब हो रहा था ना, यहाँ जो जिन्होंने अटैक किया जो भी किया, तो उनको यहाँ ममीज फिर नहीं मिली। अब हम लोग आ गए हैं रोमन थिएटर, जिसका इजिप्शियन नेम है कोमेल डिक्का, और ये यहाँ का अलेक्जेंड्रिया, एक छोटा सा व्यू, और इस ये हमारी बस है, ये देखिए कोलेजियम, अभी गाइड बता रहा है। This is the we found this theater suddenly, in which means suddenly all of this area it was covered with the sand, okay, and they start to sand to, it was covered and, by sand yeah and they start to search about ये हम लोग कॉलेजियम में आ गए। ये 2004 में ये आपको दिख रहा है, ये तो रेड वाला जो पार्ट दिख रहा है ये 2004 में मिला। तो इन लोग का कहना है कि, और ये जो डिमोलिश, ये जो टूटा फूटा, ये 1960 में, तो रिसेंटली हुआ, और इन लोग का कहना है कि हो सकता है कि यहाँ पे कभी यूनिवर्सिटी रही हो, क्योंकि इस रेड वाले पार्ट में इनको रूम्स भी मिले हैं। तो देखो क्या क्या चीज़ें हमारी धरती के अंदर समाई हुई हैं और निकल निकल कर बाहर आ रही हैं, हमें इन सब चीज़ों को प्रिजर्व करना चाहिए। अब ये पास से देखते हैं, ये है पूरा थिएटर, रोमन थिएटर। अब मोस्टली आपको हर कंट्री में दिख जाएगा, क्योंकि रोमन्स का भी जो है सब कुछ बहुत पुराना है, तो पूरा आपको यहाँ दिख जाएगा। रोमन थिएटर के बारे में समझाया गया है कि कब ये कंजर्व किया गया, और जॉइंट ये सब 1960 से 2008 तक। ये अब हम लोग पूरा राउंड ले रहे हैं यहाँ का, और आप सोचिए बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है ये, और ये 1960 में मिला ये सब, और 2004 में वो रेड एरिया दिख मिला जो मैंने आपको पहले भी बताया। ये पूरा इसका मैप only the theater aur main dheere bol raha hu guide bol raha hai it's just a big university was here plus theater in the carnivals okay yahan pe ye arrow laga hua hai bathing ke liye hai aur ye dekhiye aise hote the pehle to civilization hi hai history mein jisko interest hai na usko egypt bahut pasand aayega aur ye dekhiye ye pura aapke andar tunnels hain और ये आपका बादिंग एरिया भी था और अंदर रूम्स भी हैं, जैसे ये देखकर आए नीचे तो अंदर रूम्स भी हैं। तो गाइड ने भी यही बताया कि हो सकता है यहाँ कॉलेज रहा हो, यूनिवर्सिटी रही हो, स्टूडेंट्स रहते थे, तो उनके लिए रूम्स वगैरह सारी फैसिलिटीज़ थी। और यहाँ से मैं आपको बस के अंदर से दिखा रही हूँ, जो सामने दिख रहा है वो है मेडिटेरियन सी। ये लाइब्रेरी है यहाँ की, और क्लोज्ड है आज ये। ये है यहाँ का अलेक्जेंड्रिया का फेमस स्टैनले ब्रिज। अब हम लोग एंटर हो रहे हैं यहाँ के फेमस स्टैनले ब्रिज पर। ये देखिए सामने ट्रैम खड़ी है, लोग उतर रहे हैं, यहाँ ट्रैम भी चलती है। रेस्टोरेंट के अंदर अब हम लोग आए हैं लंच करने के लिए, और ये इजिप्शियन ही रेस्टोरेंट है, वैसे यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट है बट लंच हमारा इजिप्शियन में। ये पूरा इधर का कॉर्निश एरिया अलेक्जेंड्रिया का, और अब हम सिटाडेल जा रहे हैं, तो दुकानें मतलब देखिए बिल्कुल ऐसी हैं, और वो बहुत रश है यहाँ पर, छोटे छोटे से ऐसे टेंट लगा के वो बना दिए गए हैं स्टॉल से, चेयर टेबल सब डाल दिए। अब हम लोग आ गए हैं सिटाडेल, ये यहाँ का फोर्ट है, और इसके बैक साइड में और आगे की तरफ, मतलब मेरे आगे की तरफ और फोर्ट के बैक साइड में, वहाँ पर मेडिटेरियन सी है।
ये फोर्ट है और ये देखिए कितना पुराना है, सुल्तान कैटबे, और 82 AH से 1477 AD का है, बहुत पुराना। ये हम अब आ गए हैं इसके अंदर और ये फोर्ट का एरिया है और ये रहा पूरा, मैं आपको दिखाती हूँ व्यू, ये पूरा फोर्ट का एरिया है ऐसे। और ये इधर से हम लोग एंटर हो गए इस फोर्ट के अंदर और जा रहे हैं फोर्ट के अंदर, देखें क्या है इसके अंदर, ये अंदर अंदर जा रहे हैं। ये लोग अब सेंटर में आ गए हैं और ये मॉस्क है और यहाँ मॉस्क के बारे में बताया गया कि ये 500 to 600 ईयर्स पहले बनी थी ये। अब हम लोग इसके अंदर आ गए हैं और ये सेकेंड फ्लोर पे है, इसमें मेनली चार बड़े हॉल्स हैं, ये देखिए ऐसे, और ये देखिए ऑयल फॉलो, ये देखो यहाँ से ना, ये एक्चुअली गन पॉइंट्स हैं कि यहाँ पे वो गन रख के निशाने मारे जाते थे, बट हम यहाँ से मेडिटेरियन सी देख रहे हैं, वाह 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 वाह। हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ये देखो भीड़ देखो आप, ओहो ओहो भीड़ देखो भीड़, ये देखो अंदर ही अंदर गलियारे हैं, लिटरली गलियां हैं, और ये देखो यहाँ से मेडिटेरियन सी, वाह वाह। ये देखो बहुत सुंदर व्यू आ रहा है मेडिटेरियन सी का और अलेक्जेंड्रिया का, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया, पूरा बहुत प्यारा है और वर्थ है आना। हम लोग अब इंडियन रेस्टोरेंट में आ गए हैं और यहाँ पर बहुत अच्छा खाना सर्व किया गया है, महाराजा रेस्टोरेंट है, अल नसर में है ये रेस्टोरेंट और कैरो में, और आपको ये सब अजरबैजान में भी मिलेगा।